नमस्ते प्यारे मित्रों, आप सभी मित्रों का स्वागत है ओशो द्वारा बनाए गए, ओशो द्वारा दिए गए इस ध्यान की श्रृंखला में। आज हम जिस ध्यान की बात करेंगे वो है रात्रि ध्यान। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए क्या है रात्रि ध्यान, कैसे कर सकते हैं उसे और क्या क्या फ़ायदे हैं। जब आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, भागना नहीं है इधर उधर, एक वीडियो को देख रहे हैं तो उसको आराम से देखिए पूरा, जितना 5-10 मिनट की जो वीडियो है उसको ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर जंप मत कीजिए। तो इस ध्यान को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जब आप अच्छे से सुनेंगे समझेंगे तभी आप में वो एक मोटिवेशन आएगा अंदर से उस ध्यान को करने के लिए। तो रात में जब हम सोते हैं तो हमारी नींद होती है करीब 7 से 9 घंटे की, कुछ लोग 6 घंटे भी सोते हैं। तो 6 से 9 घंटे की नींद हम लेते हैं हर एक व्यक्ति। तो इसी जो 6 से 9 घंटे की नींद है इसको हम ध्यान में बदल सकते हैं। हमको एक्स्ट्रा कोई ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं है, लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास समय ही नहीं है ध्यान करने का, ध्यान कैसे करूं, मैं बहुत बिजी हूं, लाइफ की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता हूं, बहुत परिश्रम करता हूं और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सुबह से शाम तक ध्यान करने के लिए टाइम ही नहीं है। तो मैं आपको बोलता हूं, आपके पास टाइम ही टाइम है, आपके पास 6 से 9 घंटे ध्यान करने के लिए हैं। यस, आप ध्यान कर सकते हैं 6 से 9 घंटे, पर कैसे करना है उसका मेथड है, उसका तरीका है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए। तो हम इसे अधिकतर लोग जब सोने के लिए जाते हैं वो क्या करते हैं, या तो वो देखते हैं टीवी, ठीक है, या तो वो देखते हैं मोबाइल, दोनों में से एक काम करते हैं। हम में से 95% लोग यही दो काम करते हैं, टीवी देखना या मोबाइल को देखना, इंस्टाग्राम चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना, कॉल करना दूसरे को, और उसी अवस्था में हम सो जाते हैं। तो होता क्या है, जब हम सोने के लिए गए, ठीक है, रात का जो हमारा जो मान लो 10 बजे आप सोने के लिए गए और आपको 6 बजे उठना है, ठीक है, तो जो 10 से 6 बजे का टाइम है हमने मान लो मोबाइल देखा या टीवी देखा या जो भी कुछ काम किया, जो हमारा लास्ट विचार था, लास्ट थॉट था, वो हमारे माइंड में, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो जागृत माइंड है उसमें, उससे हमारा प्रवेश करेगा हमारे अवचेतन माइंड में, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ से वही थॉट हमारी पूरी रात को वही थॉट चलता रहेगा। और सुबह जब हम उठेंगे उसी थॉट के साथ, उसी विचार के साथ उठेंगे। तो कई बार हमने, अधिकतर बार हमने ये नोटिस किया होगा, जब हम उठते हैं सुबह तो उठ नहीं पाते हम, बहुत एकदम हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हमने उसी तरह का विचार हमने पैदा किया था सोने से पहले, वही विचार हमारे पूरी रात्रि में हमारे अंदर, हमारे पूरे जो अंदर का मन है उसमें घूमता रहा, और सुबह जब हम उठे तो हमारे पास कोई एनर्जी ही नहीं बची। तो ये हम में से अधिकतर लोगों के साथ होता है जब हम सोने से पहले जाते हैं। तो जो विचार हम सोने से पहले, जाने से पहले करेंगे, वही विचार हमारी पूरी रात्रि चलेगा और वही विचार के साथ हम मॉर्निंग में उठेंगे, ठीक है। तो रात्रि ध्यान में जो ओशो ने बताया वो क्या करना है हमको सोने से पहले, सिंपल है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। जब भी सोने जाएँ आप, उससे कम से कम 1 घंटे पहले, 1 आवर पहले, नो मोबाइल, नो टीवी, नथिंग, कोई आप कोई गैजेट्स का यूज़ नहीं कीजिए। आप बुक पढ़ सकते हैं, आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे से, आपके अच्छे विचार पैदा करें सोने से पहले। तो आपका जो 6 से 9 घंटे का टाइम है वो आपके अच्छे विचारों में, अच्छे आपको, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। तो जो हम 1 घंटे पहले कोई मोबाइल यूज़ मत कीजिए। और अब क्या करना है हमको, जब हम सोने के लिए जाएं, हमने बेड पर गए, हम लेट गए बेड पर, ठीक है, लेट करके हमने क्या करना है, एक मिनट मैं मार्कर चेंज कर लूँ।
बेड पर लेट गए हम, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, ठीक है। लेट कर क्या करना है आपको, शवासन में अपने हाथों को फैला लेना है, अपने पैरों को फैला लेना है, एकदम सोने की अवस्था में लाइट को बंद कर देना है पूरी तरह से, ठीक है। अब आप बिस्तर पर लेट गए, आपको क्या करना है, अपनी बॉडी, अपने शरीर को सजेशन देना है, उसको कमांड देनी है कि शरीर शांत हो रहा है, शरीर विश्राम हो रहा है, शरीर के हर एक पार्ट, हर एक अंग शांत हो रहे हैं, विश्राम हो रहे हैं, ठीक है। तो बिगनिंग में हमको जब स्टार्टिंग करेंगे तो हमारा शरीर हमारा कहना नहीं मानेगा, क्योंकि हमने उसको सुना ही नहीं, हमने शरीर को कभी सुना ही नहीं, उसकी जो जो भी प्रक्रिया है, जो भी उसको चाहिए वो हमने उसको कभी दिया ही नहीं, हम अपने मन की ही सुनते हैं। तो एक दो दिन लगेंगे आपको इसको करने में, तो अपने पूरे जो शरीर को, उसको पूरे शरीर को कमांड देनी है, उसको ये विचार पैदा करना है अपने मन में कि हमारा शरीर शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, आंखें बंद करके करनी है, ठीक है। लेट गए आप शवासन में, आपको ये महसूस करना है कि शरीर का हर एक पार्ट, बॉडी का हर एक पार्ट, हमारे पैरों के जो उंगलियां हैं वहाँ से हमारे सिर तक, हर एक शरीर का हर एक अंग, हर एक पार्ट एकदम शांत हो रहा है, एकदम विश्राम हो रहा है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई उसमें तनाव नहीं है, उसमें पूरी तरह से रिलैक्स है। तो इस तरह का विचार करना है, ठीक है। तो ये है हमारा पहला स्टेप, रात्रि ध्यान का पहला स्टेप, हमको अपने शरीर को कमांड देनी है, उसको शांत करना है, उसको बस जब आप कमांड देंगे तो शरीर अपने आप सुनने लगेगा, धीरे धीरे आप महसूस करेंगे शरीर एक्चुअल में, रियल में शांत हो रहा है, और वो एकदम शांत होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 1-2 मिनट ये किया हमने, इसका टाइम है 1-2 मिनट कर सकते हैं, 3 मिनट कर सकते हैं, जो भी आपको जितना आपको लगे कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप इसमें है, आपको अब अपनी जो श्वास आ रही है और जा रही है, पहला शरीर है, दूसरा है श्वास, श्वास जो हमारी ब्रीथिंग हो रही है उसको भी महसूस करना है कि वो भी शांत हो रही है, वो भी गहरी हो रही है, वो भी एकदम शांत और शिथिल और गहरी होती जा रही है। जैसे हमने शरीर को कमांड दी, उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि शरीर शांत हो रहा है, और ऐसे ही हमको श्वास को भी बोलना है मन ही मन कि श्वास शांत हो रही है, श्वास शिथिल हो रही है, मेरी श्वास शांत हो रही है, शिथिल हो रही है। तो शरीर शांत हो गया, श्वास भी उसी तरह बिल्कुल गहरी और शांत हो जाएगी। और अब लास्ट जो स्टेप है, थर्ड स्टेप, मन। तो जब शरीर शांत हो गया, श्वास भी शांत हो गई, तो मन विचार भी एकदम शांत हो जाएंगे। आपको जब शरीर और श्वास शांत हो गई, तो उसके हिसाब से अपने जो विचार हैं वो एकदम से आपको दिखाई पड़ेंगे कि आप एकदम शांत होते जा रहे हैं, मन के विचार सारे शांत होते जा रहे हैं, रिलैक्स होता जा रहा है, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, श्वास रिलैक्स हो गई है, मन रिलैक्स हो गया है। और जब तीनों रिलैक्स होंगे तो हम पहुंचेंगे अपनी जो इनर है सेल्फ, जिसे बोलते हैं आत्मा। तो आत्मा तक पहुंचने का, परमात्मा तक पहुंचने का एक ही तरीका है, अपने शरीर को, अपने सांस को, अपने मन को शांत करने का। और जब तीनों शांत हो जाएंगे तो हमारा पूरा जो हमारी चेतना है, वो हमारी आत्मा, हमारी सोल, हमारी सेल्फ तक पहुंच जाएगी। तो ये प्रक्रिया है हमारे ओशो रात्रि ध्यान पर। ओशो ने इसी बात पर जोर दिया था कि रात्रि में जब भी सोने जाएं तो 6 से 7 घंटे इसी अवस्था में आप शरीर को पहले तो शिथिल करना है, फिर श्वास को शिथिल करना है, फिर मन को रिलैक्स, उसको शिथिल कर देना है। तो जब आप ये करेंगे सोने जाने से पहले, तो आप पाएंगे आपकी पूरी जो रात्रि की नींद है एकदम से वो चेंज हो गई है, एकदम से बदल गई है, आप बहुत ही गहरी नींद में जा पाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, हमारी हम सोने तो जाते हैं, सोते भी हैं, और बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, और हम रात में उन्हीं विचारों के साथ खेलते रहते हैं, वही ड्रीम में आते हैं, हमारे सपनों में वही आते हैं, हमको कभी तरह तरह के सपने आते हैं, तो सारे हमारे सपने जो हैं वो बंद हो जाएंगे आना, हम पूरा एकदम विश्राम में, एकदम ध्यान पूर्वक जो निद्रा में उसमें जाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि जो ग्रेट महान योगी होते हैं वो कभी सोते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वो सोते नहीं हैं, वो सोते हैं,
पर उनका चेतना अंदर से वो जागे रहते हैं। तो इसी अवस्था में हम पहुंच जाएंगे अगर इस ध्यान को हमने लगातार जारी रखा 3 मंथ तक। अगर आपने इस ध्यान को कंटिन्यू रखा डेली 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 प्रयत्न करते हुए शरीर श्वास और मन को शांत करते हुए, तो आप देखेंगे आपका पूरा जो रात है रात्रि है वो तो ध्यान में बदल ही जाएगा। आपका पूरा दिन भी रात्रि रात्रि की तरह पूरा ध्यान में हो जाएगा। आपका जो डे टू डे एक्टिविटी है उसमें आप बहुत ही शांत होंगे, बहुत ही शिथिल महसूस करेंगे अपने आप को, बहुत ही कनेक्टेड फील करेंगे आप इस अस्तित्व से। तो बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना है, आपको बस सोने जाने से पहले मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, टीवी का यूज़ नहीं करना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी है। और 10-15 मिनट सोने जाने से पहले जब आप बिस्तर पर लेट जाएं, तो 10-15 मिनट के लिए आपको बस ये सिंपल 3 स्टेप करने हैं। और कुछ इसमें बहुत ज़्यादा रूल नहीं है, कोई कुछ आपको करना नहीं है, आपको 3 स्टेप लागू करने हैं। 3-3, 4-4 मिनट जो भी आपको लगे, शरीर को शांत करना है, ब्रीथिंग को श्वास को शांत करना है और मन को शांत करते हुए अपनी आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाना है। तो बहुत ही सिंपल आसान तरीका ओशो ने हमको सजेस्ट किया है, इसको आप अच्छे से समझिए पहले कि क्या है, क्या करते हैं हम, कैसे हमारा पूरा दिन है, कैसी हमारी रात्रि है, कैसे क्या करते हैं हम एक्चुअल में सोने जाने से पहले। जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। तो बदलाव केवल अपने से स्टार्ट होगा। मैं आपको कुछ भी बोलूं आप नहीं बदल सकते हैं। आप उस परमात्मा के मार्ग पर, उस जो शांति उस आनंद के मार्ग पर नहीं जा सकते। जब आप अपने अंदर से चाहेंगे कि नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे असली में जो रियल हैप्पीनेस है उस तक पहुँचना है, जो रियल शांति है उस तक पहुँचना है, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। तो आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे, इस वीडियो को समझेंगे और बस 3 स्टेप का पालन करेंगे और बस उसी अवस्था में सो जाएंगे। देखिए आप कुछ दिन भी करेंगे आपको रियल में फ़र्क आना महसूस होगा। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है तो आप इसको अप्लाई कीजिए अपनी ज़िंदगी में और इस परिवर्तन को जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो इसको आप दूसरों तक भी शेयर कर पाएंगे, उनके जीवन भी बदल पाएंगे आप। तो मेरा यही प्रयास है कि कैसे मैं आप तक इस संदेश को, इस ध्यान के, इस प्रेम के संदेश को पहुंचा सकूं। तो यही मेरा मकसद है। तो आप में जागे ध्यान, आप में जागे प्रेम, आपका मंगल हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ध्यान में।